नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। पीएम मोदी के योगदान वाले मिलर्स पर आधारित गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए किया गया है नॉमिनेट। चीन की आक्रामकता का मिलकर जवाब देंगे भारत अमेरिका, 2+2 वार्ता में दोनों के बीच बनी रणनीतिक मुद्दों पर सहमति। दिल्ली में बारिश के बाद बड़ी ठिठुरन, प्रदूषण में आई कमी, उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सरकारी नौकरी दिलवाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़, सीबीआई ने 9 ठिकानों पर छापेमारी की है, 3 आरोपी दबोचे गए हैं। डिजिटल विज्ञापन नीति को मिली मंजूरी, वेबसाइटों, ओटीटी और पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्मों पर होगी लागू, सीबीसी ने वेबसाइट और मोबाइल ऐप को 4 श्रेणी में बांटा है। इजराइल हमास युद्ध के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को लगाया फोन, उन्होंने आतंकवाद, हिंसा और नागरिकों की जान की क्षति पर गहरी चिंता जताई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का निशाना, ओटीपी शेयर करने का अधिकार किसी का नहीं। विजेंद्र येदियुरप्पा को बीजेपी ने बनाया कर्नाटक का पार्टी चीफ, तो कांग्रेस ने कसा परिवारवाद वाला तंज, राज्यसभा सांसद ने कहा कि इनकी योग्यता बीएस येदियुरप्पा का बेटा होना है। दिल्ली के मुख्य सचिव के बेटे से जुड़ी कंपनी को 312 करोड़ का फायदा पहुंचाने का आरोप, सीएम केजरीवाल ने शिकायत पर मांगी रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा करना होगा और आसान, चंद घंटों में पूरा होगा 3 दिन का सफर, मौसमी परिस्थितियों की वजह से रुक सकता है काम। भारत बांग्लादेश की नौसेनाओं ने किया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, जानी हर चुनौती से लड़ने की कला, दोनों नौसेनाओं के बीच पहला आपदा राहत अभ्यास भी हुआ है। केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए मिट्टी खनन का विरोध, तनाव बढ़ने के बाद बुलाई गई है पुलिस, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बलपूर्वक हटाया है। मैं संविधान के अनुसार काम करता हूं, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले, मेरे खिलाफ राजनीतिक संकट पैदा करने का कोई सबूत नहीं है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने इंजीनियर कॉन्क्लेव को किया है संबोधित, कहा तकनीकी प्रगति के साथ बिठाए तालमेल, मूलभूत मुद्दों को एमईए द्वारा हल करने की आवश्यकता है। राजस्थान के टोंक में भूकंप का झटका, रिएक्टर स्केल पर 3.2 रही तीव्रता, सहमे लोग घरों से बाहर निकले। अलीगढ़ में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल, वीडियो हुआ वायरल, लड़ाई की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हरदोई में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, सड़क हादसे में 3 की मौत, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कानपुर में आकर्षण का केंद्र बना मां वैभव लक्ष्मी मंदिर, मंदिर में पैसों से हुई सजावट, जिसमें 10 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट शामिल है। संभल में योगी कैबिनेट बैठक पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बयान, बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से शहीद किया। राम का नाम छिड़ा संग्राम, श्री राम के नाम पर कांग्रेस में रार, प्रमोद कृष्णम ने पार्टी नेताओं पर दिया बयान।
बुलंदशहर में एक बार फिर उठे पुलिस कार्यवाही पर सवाल। पुलिस पूछताछ के बाद व्यक्ति की मौत। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। लखनऊ में खड़ी रोडवेज बस में लगी भीषण आग। बस में आग लगने के दौरान लोगों में मचा अफरी तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची फायर विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में एक बार फिर मौसम ने करवट ली। लखनऊ सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया था बारिश को लेकर अलर्ट। लखनऊ में चलाया गया चेकिंग अभियान। चारबाग रेलवे स्टेशन पर पुलिस हुई सक्रिय। एडीजे रेलवे और जीआरपी इंस्पेक्टर ने चलाया अभियान। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला पर एफआईआर। गौतम पल्ली थाने में दर्ज हुआ पूजा शुक्ला पर एफआईआर। मुख्यमंत्री चौराहे पर पोस्टर लगाने के मामले में दर्ज हुआ केस। मेरठ में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़। यूपीएसटीएफ ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का किया है भंडाफोड़। यूपीएसटीएफ ने मौके से युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। लखनऊ में दिवाली को लेकर सभी सरकारी अस्पतालों में अलर्ट। बंद के मामले में इलाज के लिए बेड किए गए हैं रिजर्व। डॉक्टरों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से वकीलों को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया है फैसला। वकीलों के विवादित मामले में यूनिफॉर्म में जाकर हस्तक्षेप करने पर रोक है। अन्नपूर्णा के दरबार में 4 लाख से अधिक भक्तों ने लगाई हाजिरी। पहले दिन बटे 5 लाख सिक्के। पूरा मंदिर करपात्री महाराज के जय जयकारे से गूंज रहा था। विंध्यावसनी कमल और रत्नजोड़ी तहार से हुआ श्रृंगार। बारिश के बीच निकली श्रीराम राज अभिषेक यात्रा। जय श्रीराम के उद्घोष से गोचा नगर। नगर विधायक वेद गुप्ता ने कहा भगवान इंद्रदेव भी मेहरबान है। आगरा में कारोबार के हिसाब किताब में 20 लाख का हुआ था विवाद, इसलिए मारी गई व्यापारी को गोली। वहीं गजेंद्र की हालत अभी सुधार नहीं है। संभल में सौतेले पिता की करतूत। पसंद का खाना न बनने पर गुस्साए। बच्चियां दिखी तो जमकर पीटा। एक ने तोड़ दिया दम। काशी में सड़क बनाने के चक्कर में दब गए 159 फायर हाइड्रेंट। दमकल विभाग को हो सकती है बड़ी परेशानी। अब तक नहीं तलाशे पाए हैं फायर हाइड्रेंट। यूपी में 4 चिकित्सा अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव। वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास को आरएलबी संयुक्त चिकित्सालय का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया। आजम खान की अपील पर अब 22 को होगी सुनवाई। नफरती भाषण केस में 2 साल की हो चुकी है सजा। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में 2 बहनों ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट छोड़ा। जांच में जुटी पुलिस। एटा में युवक की गोली मारकर हत्या। बचाने आए परिवार के सदस्य को मारा चाकू। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोरखपुर में कालाबाजारी बाज नहीं आ रहे धंधेबाज। 40 रुपए में बेच रहे हैं नेफेड का 25 वाला प्याज। लक्ष्मी पंडाल में सो रहे 2 किशोरों को मारी गई गोली। एक की मौत, दूसरा घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दिवाली पर सफर हुआ मुश्किल। ट्रेनों के कोच फुल। यात्री झेल रहे धक्का मुक्की। रोडवेज का भी हाल बेहाल है।
प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने पाया काबू। फैक्ट्री में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बंदर को बचाने के प्रयास में डिवाइडर से टकराई बाइक, दोनों भाई उछलकर नीचे गए, एक की मौके पर ही मौत हो गई। दक्षिण अफ्रीका की महिला से 81 लाख की धोखाधड़ी, भाई ने प्रॉपर्टी डीलर पर दर्ज कराया केस। इस मामले में कटघट थाने में दर्ज किया गया है केस। धनतेरस पर चमका बाजार, 60 करोड़ से अधिक का कारोबार, 20 करोड़ की गिरावट का अनुमान। देहरादून पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने कहा, हमारे जवानों के सीमा पर रहते देश की एक भी इंच भूमि पर कोई भी नहीं कर सकता है कब्जा। यमुनोत्री में हुई बर्फबारी, 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट, पहाड़ से मैदान तक छाए बादल। प्रदेश के 1.30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस की सौगात, आदेश जारी। कर्मचारी 4% महंगाई भत्ता जारी होने का भी उम्मीद लगाए हुए थे। दिवाली के लिए फूलों से सजे बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम, होगी विशेष पूजा अर्चना। 55 लाख के करीब पहुंचा श्रद्धालुओं का आंकड़ा। लॉजिस्टिक ड्रोन से रसद और दवाएं पहुंचाएंगी आईटीबीपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया देश भर की 5 योजनाओं का उद्घाटन। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बदले मौसम का दिखा असर, हवा के झोंकों ने दिलाई ठंडक। सर्दी के मौसम में सेहत सुधारेगी धूप। ज्वेलरी शोरूम में डकैती पर सीएम सख्त, डीजीपी और एसएसपी तलब, जल्द खुलासा करने की दी है हिदायत। देहरादून की फिजा में घुल गई है धूल, उखड़ रही है लोगों की सांसें, आंखों में जलन से बड़ी परेशानी। देहरादून के कई इलाकों में ऐसी धुंध है आम। देहरादून में डकैती, मनुपुरम को छोड़कर अब चुना रिलायंस ज्वेलरी शोरूम, देश में हुई कई वारदातें। त्योहारी सीजन में 13 साल पहले भी हुई थी बड़ी डकैती, यूपी के बदमाशों ने उड़ाई थी पुलिस की नींद। उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादों की बढ़ी डिमांड, दिवाली से पहले ही बिक गया 90,000 लीटर दूध, 80% की बढ़ोतरी हुई। श्रीनगर में एसएसबी का दीक्षांत समारोह, पास आउट 11 उपनिरीक्षकों को दिए गए हैं पुरस्कार। डिप्टी कमांडेंट राजन राय ने गोपनीयता की शपथ दिलाई है। उत्तराखंड स्थापना दिवस के दौरान गैरसैंण में बोले सीएम धामी, आंदोलनकारियों को आरक्षण के मुद्दे पर जल्द बुलाएंगे बस सत्र। का मामला, प्रवर समिति ने विस अध्यक्ष को सौंपे रिपोर्ट, आरक्षण बिल को पारित करने के लिए जल्द ही सत्र आहूत किया जाएगा। सेवा चयन आयोग के 3 पूर्व अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ी, हाईकोर्ट से जमानत खारिज। एसएसपी एसटीएफ आयुष ने बताया कि वीपीटीओ की परीक्षा 2016 में हुई थी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को मिली राहत, तोशखाना मामले में एनएबी कोर्ट ने दिए मर्सिडीज लैंड क्रूजर समेत अन्य प्रॉपर्टी लौटाने के आदेश। गाजा में अस्पतालों के बाहर चल रही है जंग, नेतन्याहू ने कहा दुनिया को हमास की करनी चाहिए निंदा। गाजा के लोगों ने दक्षिण की ओर बढ़ना जारी रखा है।
गाजा के तीन बड़े अस्पतालों को इजरायली टैंकों ने घेरा, हजारों लोग भागने को मजबूर, हमास ने किया है दावा। गाजा में बने रहने का प्लान नहीं, हम शासन करना नहीं चाहते, सीजफायर को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान साफ, पिछले महीने हमास के लड़ाकों ने हमला किया था। सिंगापुर में दिवाली पर लगा पोस्टर, भारतीयों से सफाई को कहा गया है, बवाल बढ़ा तो उतारने जा रही है सरकार। जॉगिंग करते वक्त अनजान शख्स ने पीछे से पकड़ा, यूएस के पूर्व सीनेटर के साथ दंदहाड़े छेड़छाड़। रिश्तों में तनाव के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मनाई दिवाली, मौके पर कनाडा ने जारी किया खास डाक टिकट, ये डाक टिकट एक विशेष बुकलेट में जारी किया गया है। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी यूनिवर्सिटी के मुस्लिम छात्रों को धमकियां, अध्यक्ष फरहान मेमन ने कहा किसी छात्र को खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पनाहगाह से बना भारत के दुश्मनों का कब्रगाह, लश्कर कमांडर को अज्ञात शख्स ने उतारा मौत के घाट, बाइक सवार वालों ने अकरम गाजी को गोली मारी। पाकिस्तान में लाहौर समेत कई शहरों की हवा हुई है जहरीली, बिगड़ते हालात को देखकर सरकार ने की है 4 दिनों की छुट्टी। दिवाली से पहले ईपीएफओ खाताधारकों को मिला गिफ्ट, मिलने लगे हैं ब्याज के पैसे, ईपीएफओ ने कर्मचारियों से धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की थी। धनतेरस पर विदेशी मुद्रा भंडार में 4.67 बिलियन डॉलर का इजाफा, 590.78 अरब डॉलर पर आ गया है फॉरेक्स रिजर्व, आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में उछाल जारी है। एलआईसी का नेट प्रॉफिट में 50% घटकर रहा 7,925 करोड़ रुपए, प्रीमियम इनकम में भी गिरावट, प्रीमियम इनकम में गिरावट निवेशकों की चिंता को बढ़ा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोली पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर पार्टी का दोहरा रवैया। धनतेरस पर पूरे देश में हुआ 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार, 27,000 करोड़ रुपए का बिका है सोना, पूरे देश के बाजारों में गजब की रौनक नजर आ रही है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 22% का उछाल, मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 10.60 लाख करोड़ रुपए आए सरकार की झोली में। दिवाली से पहले गिरे सोने चांदी के भाव, दुकानदारों को जबरदस्त सेल की उम्मीद, दिवाली साल में एक ऐसा वक्त है जब सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी होती है। ग्रे मार्केट में टाटा का जलवा, टाटा टेक के बाद अब उछला अनलिस्टेड स्टॉक का जीएमपी, टाटा कैपिटल के शेयरों का भाव अभी भी 400 से 425 रुपए चल रहा है। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन बोले मौजूदा आर्थिक विकास दर पर्याप्त रोजगार सृजन के लिए नाकाफी है। प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों का त्यौहार सुना, मिठाई या गिफ्ट कार्ड नहीं बोनस चाहिए, दिवाली को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं कंपनियां। नवीन उल हक ने चौंकाया, महज 24 की उम्र में वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास, वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान का सफर खत्म होते ही लिया फैसला। अफगानिस्तान को हराने के बाद कप्तान बाउमा ने दी है प्रतिक्रिया का, हमने दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए भी अच्छा परफॉर्म किया। वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को किया है सस्पेंड, 4 साल में प्रतिबंधित होने वाला दूसरा देश, वर्ल्ड कप में बेहद खराब रहा श्रीलंका का प्रदर्शन।
दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया। रासी बॉन्ट और रूसिन रहे जीत के हीरो। दोनों ही टीमों का लीग स्टेज में यह आखिरी मैच था। राशिद खान ने वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के लिए बनाया विश्व रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा विकेट लेकर रचा इतिहास। गेराल्ड क्वेटिची ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए हैं। रचिन रविंद्र ने जीता आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। जसप्रीत बुमराह और क्विंटन डिकॉक को पछाड़ा अपने नाम के अवार्ड। अफगानिस्तान के खिलाफ क्विंटन डिकॉक ने विकेट के पीछे रचा इतिहास। दक्षिण अफ्रीका के लिए बनाया नया रिकॉर्ड। 244 पर सिमटी अफगानिस्तान। फीफा विश्व कप क्वालिफायर से पहले खिलाड़ियों के फिटनेस पर नजर। कोच ने कहा तैयार है टीम। टीम को सकारात्मक रहना होगा। पंचानवे साल की भगवानी देवी ने रचा इतिहास। एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीते 3 स्वर्ण। भगवानी देवी के 3 पोते पोतियां हैं। पटियाला की तीरंदाज परनीत पहली बार बनी एशियाई चैंपियन। एशियाड विजेता ज्योति को हराकर जीता स्वर्ण। टीवी सीरियल भाभी फेम टॉली सोही को हुआ कैंसर। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। कहा सफर की शिकार या सफर से बचे रहना। अंकिता लोखंडे और मनारा चोपड़ा के बीच हुई तीखी बहस। घर में शुरू हुआ एक और नया मुद्दा। पवित्र रिश्ता। एक्ट्रेस मनारा को डबल ढोलकी कहती है। घर में देसी स्नैक्स के साथ दिवाली एंजॉय करें करीना कपूर खान। फोटो शेयर करके दिखाई झलक। शाहरुख खान ने फैंस को दी दिवाली की बधाई। शेयर के डंकी के नए पोस्टर्स। लिखा बिना ऐसी फैमिली के कैसे होगी दिवाली। डीआरसी का ट्रेलर देख अमिताभ बच्चन ने की नाती अगस्त नंदा की तारी। पोस्टर शेयर करके बढ़ाया है हौसला। अनन्या पांडे ने धनतेरस पर मुंबई में खरीदा अपना घर। गृह प्रवेश की तस्वीरें आई सामने। बेटी की कामयाबी पर मां ने दी बधाई। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने लगाया जय सियाराम का नारा। बोले राम सीता की भूमि पर पैदा होना गर्व की बात। हिंदुओं का दिल हमेशा से बड़ा रहा है। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में शुजान खान की मुश्किलें बढ़ी। हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। एक्टर को हाल ही में खतरों के खिलाड़ी 13 में देखा गया था। एक्ट्रेस और पूर्व सांसद जयप्रदा की बढ़ी मुश्किलें। अब 17 नवंबर को कोर्ट में होना होगा पेश। गैर जमानती अरेस्ट वारंट भी रहेगा जारी। रश्मिका मंदाना से जुड़े डी फेक मामले में एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम मामले की जांच कर रही है। डीसीडब्ल्यू ने भी रिपोर्ट मांगी है।